हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। आज मैं आपको हरी मटर को स्टोर करने का तरीका सिखाऊंगी, किस तरह से ताज़ी हरी मटर को साल भर तक आप स्टोर कर सकते हैं और ख़राब भी नहीं होगी, और हर रेसिपी में आप यूज़ कर पाएंगे जब भी आप मन चाहें। तो तरीका मैं सिखा देती हूँ आपको, बिना झंझट बिना उबाले किस तरह से स्टोर करना है हरी मटर को, कि साल भर टिकी रहे, साल भर बढ़िया रहे और आप नाश्ते से लेकर खाने में यूज़ कर पाएँ। आइए दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मटर ली है, ताज़ी हरी मटर है, और मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी सी मोटी मटर हमें लेनी है, पतली जो मटर होती है वो हमें नहीं लेनी है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल भरी भरी जो मटर हो, मोटी मटर हो, वही आप लें। और यहाँ पर मैं, ये देखिए, पतली जो मटर होती है, इस तरह की जो पतली मटर है वो हमें नहीं लेनी है। उससे जो दाने निकलेंगे उसको हमें स्टोर नहीं करना है, उसको हम खाना बनाने में यूज़ कर लेंगे, तुरंत यूज़ कर लेंगे, और बाकी मटर को हम स्टोर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से कुछ इस तरह की मोटी मटर होनी चाहिए। मोटी मटर होगी तो दाने भी मोटे होंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह के दाने चाहिए हमें मटर को स्टोर करने के लिए। साल भर तक स्टोर करना है तो मटर ऐसी लें, और कुछ महीनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप कैसी भी मटर लेकर स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सेपरेट करके रखा है, यहाँ पर मैंने जो पिचकी हुई सी पतली मटर होती है उसको मैंने अलग कर दिया है दिखाने के लिए आपको, साथ ही दूसरी तरफ मैंने मोटी मटर अलग करके रखी हुई है। तो मैं आपको दोनों के दाने दिखाती हूँ, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं मोटी मटर के दाने आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके दाने मोटे मोटे हैं, तो ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। बाकी ये जो पतली मटर है, इसके दाने, ये देखिए, काफी छोटे हैं, काफी नरम होते हैं, तो दाने नरम होते हैं इसकी वजह से ये खराब जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आप नरम मटर को, पतली मटर को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसको डिफरेंट आप बैग में स्टोर करें, डिफरेंट बॉक्स में स्टोर करें, या डिफरेंट आप पॉलिथिन में स्टोर करके रखें। यहाँ पर ये देखिए, मोटी मटर को मैंने छील कर रख लिया है। यहाँ पर लगभग ये 2 किलो मटर है और बाकी मटर को मैंने स्टोर कर लिया है। एक साथ मैं 5 किलो के करीब मटर को स्टोर करके रख रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से जिप लॉक बैग मैंने लिया है। आप सादा पॉलिथिन भी ले सकते हैं और उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, और इस तरह के छोटे जिप लॉक बैग भी आते हैं मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। तो कम क्वांटिटी में अगर आपको स्टोर करना हो तो छोटे जिप लॉक बैग में भी स्टोर किया जा सकता है। ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर फिल कर दें आप, तो इस तरह से आप स्टोर करें। हमें उबालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसे ही इसको स्टोर कर दीजिए। जो मैंने बातें बताई हैं, बस आप उस बात का ध्यान रखें, साल भर तक आपकी मटर टिकी रहेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। ये देखिए, इस तरह से स्टोर कर लीजिए। और आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर जिपलॉक बैग की मैंने एयर नहीं निकाली है। एयर नहीं निकालने का फ़ायदा ये होता है कि जो मटर है आपस में चिपकती नहीं है और बहुत अच्छी रहती है, ईजिली आप निकाल पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिपलॉक बैग के ऊपर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की जो पट्टी है, स्पेस दी हुई है, उसके ऊपर आप डेट भी लिख सकते हैं, लिख पाएंगे आप कि ये आपने कब स्टोर की है। तो बहुत आपको पता रहता है कि आपने कब स्टोर करके रखी है, तो बहुत ईजी होता है। और ये देखिए, इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं, इसको फ्रीजर सेक्शन में आप रख दीजिए, आराम से साल भर तक चलेगी ये। आप चाहे तो अगर आपके फ्रीजर सेक्शन में अगर स्पेस कम है तो आप क्या कर सकते हैं, एयर निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैं एयर आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से एयर निकाल दीजिए इसकी, तो एयर निकाल कर आप इस तरह से फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, बस मटर आपस में चिपक जाएगी और कुछ नहीं है। कभी चिपकती है, कभी नहीं चिपकती है, पर यूजुअली चिपक जाती है। देखिए, स्पेस है, इसमें आप लिख के रख दीजिएगा कि आपने कब इसको स्टोर करके रखा है, तो आपको पता रहता है कि आपने इस महीने में, इस मंथ में स्टोर की है। और ये देखिए, इस तरह से आपको इसको स्टोर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स है, तो यूज़ एंड थ्रो बॉक्स है, जो मिठाई के साथ आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई भी बॉक्स इनफैक्ट ले सकते हैं, और फूड ग्रेड कंटेनर कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से यूज़ एंड थ्रो बॉक्सेज होते हैं, जो कि हमारे कोई काम के नहीं होते हैं, तो काफ़ी स्लीक बॉक्सेज हैं, तो ये आप ले सकते हैं और इसको फ्रिज के फ्रीजर सेक्शन में आप रख सकते हैं। तो इनको स्टोर करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि स्पेस भी कम एक्वायर करते हैं। ये देखिए, बंद करके आप इसको रख दीजिए। सादा पॉलिथिन बैग भी ले सकते हैं, उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 2 महीने पुरानी ये मटर है, जिसको मैंने फ्रीजर सेक्शन में रखा हुआ था, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट है, और मटर बिल्कुल सेपरेट है, साथ ही इसके अंदर आइस भी नहीं है, तो बहुत अच्छी मटर रहती है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड ये तरीका है, और मेरी मदर इन लॉ इसी तरीके से हमेशा ही मटर को स्टोर करती हैं, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप बस जब भी आपको यूज़ करना हो, इसको आप फ्रिज से बाहर निकालिए, एक बार पानी से, नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, और इसको आप सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बॉयल करना होगा हल्का सा हमें इसे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो हल्की सी, ये आप देख सकते हैं नरम वाली मटर है, पतली मटर है ये, और इसमें थोड़े से दाने फटे हुए भी हैं, तो ये फटे दाने भी हमें यूज़ नहीं करने हैं स्टोर के लिए, ये आप याद रखें, ध्यान रखें।
तो इन मटर को हम यूज कर लेंगे सब्जी बनाने में, और बाकी की जो मटर हमने यहाँ पर जिपलॉक बैग में रखी है या फिर बॉक्स में रखी है तो उसको हम स्टोर कर लेंगे, फ्रीजर सेक्शन में रख देंगे। तो फ्रेंड्स आराम से आप साल भर तक इस मटर को यूज कर पाएंगे। आप भी ये तरीका अपनाइए, यूज कीजिए इस तरीके को, और अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करके मुझे बताइए, शेयर कीजिए मेरी इस रेसिपी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल, बाय।